बुशंस और आप देख रहे हैं ग्रोथ टाइम्स। फ्रेंड्स, आज जो मार्केट ने अप किया है, निफ्टी ने 161 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 800 पॉइंट का जो मूवमेंट दिया है, वो हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट में उछाल आने का ये है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये इसमें मत फंसिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको ये मौका नहीं है, ये धोखा है। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो हमें दिख रहा है कि 25,500 से मार्केट, यानी हो सकता है कि कल मार्केट 25,500 पे खुले या थोड़ा सा ऊपर खुल के 500-600 तक जाए और फिर से वहाँ से डाउन आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिबोनाची लेवल लगा लिए है। यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका 23.6 पे एक हर्डल है, जहाँ से आज बिल्कुल बैंक निफ्टी में वहीं से थोड़ा सा नीचे आया है और वहाँ से और थोड़ा सा बिल्कुल, ये अगर हम 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा सा, और ये 15 मिनट की कैंडल पे अगर देखते हैं तो ये बड़ी वाली है कि ये रेड कैंडल इसने दिखाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट कल, यानी ये इतनी बाइंग हुई है और ये डायरेक्ट सीधी बाइंग हुई, सीधी बिल्कुल सीधी। ये ऐसी सीधी बाइंग अगर नहीं होती थी, यानी थोड़ा सा अगर ये ऐसी जाता था और फिर अगर साइड में आता था, फिर ऊपर जाता था, फिर साइड आता था, फिर ऊपर जाता था, तो बात अलग रहती थी कि इसमें हम समझ सकते थे कि ये इसमें अभी, यानी ये बाय मोड पे है। लेकिन ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए है दोस्तों। ये कल बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट होगा, और करेक्ट भी होगा तो यहाँ पे हम इसमें और एक स्टडी अगर देखते हैं, हम अगर एनएससी की वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसे पता चलता है। एनएससी की वेबसाइट मैंने खोल के रखी है, बैंक निफ्टी अभी लगा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम बैंक निफ्टी यहाँ पे देखते हैं तो अभी ये क्लोजिंग हुआ है 25,321, और यहाँ पे जो इसका जो हर्डल था ये 25,377 पे था, और वहीं से वो थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आया, और इसमें कल करेक्शन तो दिखेगा ही। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट कॉल के जगह पुट में बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पे यहाँ पे 64 लाख दिख रहा है और यहाँ पे 91 लाख दिख रहा है। तो ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं हम तो पुट में है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट नीचे आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इसमें अगर कल के लिए पोजीशन अगर बनाना है तो आप इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है तो ये 25,000 है, ये 25,000 का बाय कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात, इसमें कल बैंक की एक्सपायरी थी, तो ये 25,000 का आपको पुट लेके 15-20 पॉइंट पे आपको ये निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये उतरेगा सही, लेकिन अगर दिन भर अगर वो साइड में रह गया तो आपका प्रीमियम भी चले जाएगा, और कल तो एक्सपायरी है तो कल वो जीरो होने की उतनी संभावना है। आप फ्रेंड्स बिल्कुल कॉन्शियस रहें, और कल बैंक निफ्टी उतरेगा 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% चांस है कि कल उतरेगा। तो ये 25,000 का आप जैसे इसका अगर आप देखते हैं तो ये 24,998 ये तीसरा रजिस्टर था आज, तो ये 25,000 तक तो आना ही है, यानी ये यहाँ से अगर ये करेक्ट होगा तो कम से कम 300 पॉइंट तो नीचे आएगा, या तो दिन भर वो साइड में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल के लिए बैंक निफ्टी का पाला बाय कर सकते हैं 25,000 का पुट, सॉरी बॉल बोला मैं, 25,000 का पुट जो 36 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, कल वो आप 15-20 पॉइंट इजीली दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।